और संतोष से बाजार के साथ साथ उनकी ट्रेडिंग आइडियाज भी ले लेते हैं। बाजार में कहावत है, फंड मैनेजर से ये मत पूछिए क्या लगता है, पूछिए आप कर क्या रहे हैं। तो आदित्य आप बताइए, आप कर क्या रहे हैं, क्या आपके ट्रेडिंग आइडियाज हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की शुरुआत ईटी नाउ के साथ अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं आपके आपका वो सुन रहा था ग्लोबल मार्केट की रिगार्डिंग व्यू, तो मेरा भी व्यू आपके साथ एकदम मैच बैठता है कि जिस हिसाब से कल डंपिंग हुई है इंस्टीट्यूशन की साइड, चाहे आप कैश मार्केट की बात करें, डिम्पी जी भी बता रहे थे कि रोल ओवर थोड़ा सा कम है, और जो लॉन्ग कटे हैं कल डेटा के हिसाब से फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, वो काफी थोड़ा सा मेरे हिसाब से फुल स्टॉप या पॉज लगाते हैं एक अपसाइड रैली को। तो मेरा व्यू थोड़ा सा कॉशियस रहेगा आज के दिन, और मैंने जो स्टॉक्स चुने हैं वो डिफेंसिव स्पेस से ही चुने हैं, क्योंकि कंज्यूमर फेसिंग काउंटर्स थोड़ा सा वीक रह सकते हैं। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा मैरिको, जिसे 554 में बाय किया जा सकता है। 524 का रहेगा स्टॉप लॉस और 610 से 650 का रहेगा टारगेट। दूसरा रहेगा अबॉट इंडिया, जिसे 23,705 में बाय किया जा सकता है। 22,605 स्टॉप लॉस रहेगा और 25,500 and 26,200 टारगेट रहेगा। तो ये आपकी कॉल्स हुई, अब संतोष की भी कॉल समझ लेते हैं। संतोष मॉर्निंग, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं आज की? यस मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो मार्केट की बात करें तो आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के लिए, क्योंकि हम गैप डाउन ओपनिंग के बाद अपने इंपॉर्टेंट 20 डे मूविंग एवरेज को फर्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे आफ्टर ए लाइफ टाइम हाई जब लगा है। तो 20 डे मूविंग एवरेज 19,550 के आसपास आ रहा है। अगर वो होल्ड कर गया और रिकवर करता है तो फिर से शायद बाइंग मोमेंटम पिकअप होते दिखेगा, लेकिन इन केस ये ब्रेक होता है तो एक बार शायद एक थोड़ा सा सीरियस प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बन सकता है, और शायद निफ्टी जो पुराना लाइफ टाइम हाई था 18,888 वहां तक जा सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी 45,350 के आसपास 20 डे मूविंग एवरेज जा रहा है। सो ये लगातार पांचवी सीरीज हो सकती है, लगातार चौथी सीरीज तो तेजी में रही। 2017 के बाद से लगातार पांच सीरीज पॉजिटिव नहीं रही है। अगस्त नॉर्मली पिछले तीन अगस्त सीरीज बहुत अच्छी रही है, बट ये सीरीज हेवी रोल ओवर के साथ शुरुआत हो रही है। नॉर्मली हेवी अच्छे रोल ओवर माने जाते हैं कि रोल ओवर अच्छे हुए, लेकिन अगर हेवी रोल ओवर हो रहे हैं तो रिस्क रहता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, क्योंकि करीबन 1,17,00,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। अभी मार्केट की नज़र फेड पे थी, लेकिन बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी अभी 8:30 बजे आने वाली है। वहाँ एक शायद रिस्क लग रहा है कि शायद वो अपनी जो बॉन्ड यील्ड की रेंज है उसको ट्विक कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद एक रिस्क का कारण हो सकता है ग्लोबल मार्केट में भी और हमारे मार्केट में भी। और उस कल एफआईएस की सेलिंग देखने को मिली है, तो अगर ये ऐसा कुछ होता है जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में इंचअप देखने को मिला, शायद थोड़े टाइम के लिए एफआईएस की सेलिंग और पिकअप हो सकती है। तो आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट की डायरेक्शन के लिए। ये तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। स्टॉक्स की बात करें तो मेरे दो स्टॉक है, एक बैंक साइड है एक सेल साइड है। बाइंग में हीरो मोटो कॉर्प है, इस स्टॉक ने लास्ट सीरीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पर टेक्निकली एक अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ रोल ओवर भी अच्छे देखने को मिले। 3200 का टारगेट रहेगा, 3090 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेल साइड टाटा कंज्यूमर है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन बना है, इसने एक 880 के रेजिस्टेंस को रिजेक्ट किया है और यहाँ पर डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो 830 का यहाँ पर टारगेट रहेगा, 860 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, संतोष जी ने आपको एक तो इंडेक्स का व्यू भी दे दिया, साथ ही हीरो प्लस है और टाटा कंज्यूमर शॉर्ट है, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट नोटिस कीजिएगा। विनय रजानी भी हैं। विनय गुड मॉर्निंग, आपके आज के ट्रेड कौन से हैं सर स्टॉक्स के? जी तो मेरी तरफ से दो ट्रेड है, एक लॉन्ग साइड और एक शॉर्ट साइड। तो पहला जो स्टॉक है वो लॉन्ग साइड पे है। जैसे हम सब जानते हैं कि ओवरऑल फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और जो इसका जो रेशियो चार्ट हम निफ्टी के सामने देखते हैं तो अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फार्मा स्पेस कंटिन्यू कर सकता है आउट परफॉर्म करते हुए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ऐसा लग रहा है कि अभी निफ्टी को बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था फार्मा सेक्टर ने, अभी आउट परफॉर्म करना शुरू हुआ है। तो ओवरऑल आने वाले महीनों तक ये फार्मा सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा, तो उसको देखते हुए और जिस तरह का टेक्निकल सेटअप है उसको देखते हुए लग रहा है कि फार्मा स्पेस में ध्यान रखना चाहिए। तो उनमें से एक स्टॉक चुना है स्ट्राइड्स फार्मा, जिसका एनएससी कोड स्टार है, जो कल 452 के करीबन बन रहा था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड्स बन सकते हैं। तो स्ट्राइड्स फार्मा में लॉन्ग की सलाह दूंगा, 452 पे
ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 441 पे, और अपसाइड में 470 का टारगेट हम नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा जो ट्रेड है वो शॉर्ट साइड पे है, बैंकिंग स्टॉक, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक, वो है एक्सिस बैंक। तो कल एक्सिस बैंक के नतीजे आए थे, नतीजे के सामने रिएक्शन आया था और थोड़ा ऊपर खुलने के बाद इसमें एक सेलिंग दिखी थी और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न डेली चार्ट पे बनी थी। और बैंक निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी हमने बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखी है और रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस देखा है। तो सेक्टर की थोड़ी वीकनेस को कंसीडर करते हुए और एक्सिस बैंक के नतीजे भी थोड़े वीक साइड पे आए थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है और जिसके नतीजे थोड़े वीक साइड पे हैं, वहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो एक्सिस बैंक में अगस्त फ्यूचर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, जो 962 पे बंद आया था। स्टॉप लॉस आपका 980 का होना चाहिए फॉर द ट्रेडर्स फॉर 1 to 2 सेशन, और डाउनसाइड में हम 935 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आई बिलीव दैट के प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में थोड़ी वीकनेस आई है और उसमें से एक्सिस बैंक रिलेटिवली वीक लग रहा है, तो उसको शॉर्ट करके चल सकते हैं इन ऑगस्ट फ्यूचर। ठीक है, तो बैंक्स पे सेल कॉल सी दिख रही है, एक्सिस बैंक को आप भी शॉर्ट कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक को लक्ष्य भी बता रहे थे ऑगस्ट सीरीज के लिए, तो थोड़ी सी दिक्कत तो दिख रही है बैंक्स में अभी। आयुष की भी एक बार कॉल समझ लेते हैं। आयुष बताएं आपकी रिकमेंडेशंस कहां हैं? जी मेरे भी यहाँ पे दो क्वेश्चन होंगे, एक बाय साइड का होगा एक सेल साइड का होगा। जो बाय साइड का कॉल होगा उसमें हम मदरसन सुमी को रिकमेंड करते हैं, ये कंडीशनल बाय कॉल होगा अबव 100 रुपीज के। इसमें अगर हम देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया है अपने 20-day मूविंग एवरेज का, तो मदरसन सुमी को आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 107। और इसमें एक स्टॉप लॉस जो होगा जो सपोर्ट जोन का होगा वो 9650 का। और जो शॉर्ट कॉल होगा वो होगा आईसीआईसीआई बैंक। ICICI बैंक में देखेंगे तो अभी एग्जैक्टली सपोर्ट के पास डील एक ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है यहाँ से जैसे ही ये सपोर्ट जो है 990 का अगर ब्रेक करता है फ्यूचर्स लेवल में, तो इसमें नीचे में 955 का लेवल ओपन हो जाएगा और इसमें एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1,700 रुपीज का। ठीक है, तो एक और बैंक काउंटर आपको शॉर्ट मिल गया, एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। और आपको ध्यान ही होगा ये तीनों के तीनों बैंक सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी पे, और हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक जा रहा है अगस्त सीरीज के।